भगवते चैतन्य चंद्राय। तो हमने गौरांग महाप्रभु के विषय में, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कौर कथा, तो मैंने शायद लास्ट टाइम तक बताया था कि मुझे जहाँ तक स्मरण है श्रीपाद अद्वैताचार्य के विषय में बताया था। ये महाप्रभु के एक महीने से पहले की बात हो गई दोबारा लौट के दूसरा महीना आ गया है, तो शायद 20 मार्च से मुझे स्मरण है। श्रीपाद अद्वैताचार्य जी का जो प्रतिज्ञा करना, लास्ट टाइम हमने ये बात करी थी, उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जो लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति के लिए मुझे भगवान को अवतरित करना पड़ेगा स्वयं को, और यदि भगवान अवतरित नहीं हुए तो फिर मैं क्या कर दूंगा चक्र से। श्रीपाद अद्वैताचार्य जी ने ऐसा कहा यदि भगवान अवतरित नहीं होते तो, इसलिए उन्होंने बोला भगवान को अवतरित करने के लिए एक उपाय खोजा जाए। तो बोले सबसे क्या उपाय है भगवान को अवतरित, भगवान प्रसन्न हो जाएं जिससे, और प्रसन्न होकर वे इस भरा धाम पर अवतरित हों। तो उन्होंने गौतमीय तंत्र से एक उनको श्लोक प्राप्त हुआ जिसमें भगवान कहते हैं तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुड़के नवा स्वात्मानम विक्रीडते भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, कि जो भक्त मुझ पर गंगा जल और तुलसी दल चुल्लू भर जल लेकर के और तुलसी दल लेकर के यदि मुझे कोई अर्पण करे हैं, तो बोले ऐसे भक्त के लिए तो मैं स्वयं बिक जाता हूँ भगवान कह रहे, मतलब वो भक्त मुझे मतलब खरीद लेता मान, विक्रीडते क्रय विक्रय हैं, तो मैं भगवान कह रहे मैं स्वयं बिक जाता हूँ उस भक्त के लिए, तो मतलब उस भक्त के हाथों बिक जाता हूँ मैं, तो उसने मुझे खरीद लिया ऐसा। तो ये उनको पता चला और फिर अद्वैताचार्य जी ने श्री भगवान शालिग्राम पर ये सारी उपासना करके और महाप्रभु को पुकार रहे थे, हे श्रीमन गौरांग महाप्रभु प्रकट ही हुई है, हे श्याम सुंदर, हे गौर सुंदर। तो यहाँ पर जो स्थिति थी, कई भक्त जो थे पर फिर भी उनकी पीड़ाएं बनी हुई थी, हमने ये भी शायद सुनाई था कि सारे भक्त जो थे वो कोई जहाँ भी जाते थे वो कोई उनसे कुछ ना कुछ गलत अर्थ करते मिलते थे, कोई भागवतम की गलत व्याख्या करता मिलता था, उससे जो अच्छे भक्त थे शुद्ध भक्त थे उनको क्या समस्या होती थी कि ये तो भागवतम की गलत व्याख्या करें। इसीलिए जब हम समाज में कई लोग बोलते हैं कि ये श्रील प्रभुपाद हैं या फिर पूर्वाचार्य और भी कितने, बोले यार ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो मायावादी है, वो ऐसा है, उसको मत वो करो, है ना, आप देखोगे उसमें तो प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद भी क्या कहते हैं काफ़ी, तो ऐसा क्यों करते हैं, ये कारण क्या है, क्योंकि उससे भक्तों को दुख होता है जब कोई श्री भगवान के विषय में गलत दर्शन प्रस्तुत करता है समाज में, तो उससे भगवान के भक्तों को दुख होता है ना। और फिर सबसे ज़्यादा दुखी वो किससे होते हैं, इनोसेंट्स जो लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, उनसे दुखी थोड़ी होते हैं कि अज्ञानी लोग हैं यार ये लोग क्या जाने, उनसे ज़्यादा दुखी होते हैं कि जो एक तो अपने उच्च पद पर स्थित कोई व्यक्ति है और साथ ही उच्च पद पर स्थित होने के साथ साथ यदि उसने कुछ अध्ययन किया है या गुरु परंपरा में या कहीं से किसी भी साधु से अच्छे से जुड़ा हुआ है, पर फिर ऐसा हो करके वो किसी गलत सिद्धांत का कैसे प्रचार कर सकता है। एक तो होता है कि चलो उसे पता नहीं है और ये लोग तो चलो एक अलग कैटेगरी के हैं, अज्ञानी लोग हैं और इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो कुछ भी, ये तो कुछ भी बोलने लगे थे, पर एक यदि जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करे तो फिर उसके खिलाफ नहीं बोलते हम, सिद्धांत के हमेशा विरुद्ध हैं, ध्यान रखना, हम व्यक्ति के कोई विरुद्ध नहीं कि ये व्यक्ति वो नहीं, वही व्यक्ति सही सिद्धांत का प्रचार करेगा तो हम उसके सदैव साथ हैं, पर यदि भगवत विषय में तो ये भगवान के विषय में उस समय भी चल रहा था जो गलत सिद्धांत का प्रचार करते थे, उससे देवर्षि नारद मुनि यानी श्रीवास ठाकुर और ये सारे जो भक्त थे बहुत दुखी रहते थे और बोलते थे बताओ ये कैसे कैसे वो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पंडित होके और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अरे इनको कितने लोग फॉलो करते हैं, इनका अनुगमन करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पर गमन करें चलते हैं सब पद चिन्हों पर उनके, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर छोटे लोग भी सब चलते हैं। तो बोले बड़े बड़े पंडित महाशय लोग, बड़े बड़े भट्टाचार्य और ये सब लोग क्या करते हैं, बोले भगवान का विरोधी हैं और श्रीमद् भागवतम की गलत व्याख्या कर रहे हैं, भक्ति पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, भगवान को जो उनके स्वरूप को ना मानना हाँ, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसा करके जो भक्त थे वो भगवान के भक्त जो वो बहुत दुखी थे इस कारण से, ये सब मैंने पहले विस्तार से हम लोग जाना। तो उस समय पर अद्वैताचार्य जी ने यहाँ पर अपना भगवान कृष्ण का पूजन शुरू करना शुरू कर दिया, बोले अब तो मैं भगवान को अवतरित करा करूँगा, उन्होंने तुलसी दल गंगा जल लेकर के भगवान की आराधना शुरू कर दी। और फिर इधर जो थी जगन्नाथ मिश्र थे, उनके जगन्नाथ मिश्र और सची माता ब्राह्मण गोत्र के और मिश्र फैमिली जो थी जगन्नाथ मिश्र की,
इनकी 8 पुत्रियां होकर के जन्म लेके मर गई थी। उसके बाद में भगवान शेष के अवतार श्री विश्वरूप जी का इनके यहाँ प्रागट या आविर्भाव हुआ, और वो भी विश्वरूप जो थे बचपन से विरक्त प्रवृत्ति के थे, वैराग्य की उनमें अधिक प्रधानता थी, उनका अवतरण हुआ। उसके बाद में जो जब भक्त लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे थे तभी समय उसी समय भगवान ने इस धराधाम पर प्रकट होने की तैयारी करी कि अब तो भाई अब चलना ही पड़ेगा, अब इतने लोग तो पुकार रहे हैं और इतने लोग पुकार रहे हैं वो तो बात सही है, पर मेरे सबसे महान भक्त एक महान भी हैं और मेरे स्वयं के विस्तार हैं, महाविष्णु हैं और सदाशिव के मिलित तनु हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु और कारणारणव जले यह भजते स्म योग। बोले जिनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं वो कारणारणव साई विष्णु स्वयं ही उपासना मेरी रत हैं, और यदि वो बुला रहे हैं सदाशिव और महाविष्णु तो जाना ही पड़ेगा। और भगवान को अवतरण करने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी तो भक्तों ने भगवान ने अब अवतरण लेने की ठानी, निश्चित किया कि ठीक है मैं अवतरण लूँगा। उसी समय भगवान ने श्री सची माता और जगन्नाथ मिश्र जो थे, तो बताते हैं कि जगन्नाथ मिश्र के हृदय में भगवान प्रवेश कर गए। अब भगवान तो परमात्मा के रूप में सब में स्थित है, परंतु यहाँ विशेष रूप से श्री नंदनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु की बात करी जा रही है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो जो थे वो प्रवेश कर गए। तो हमारे हृदय गिला तुम्हार हृदय एवे जन्मी वे न कौन महाशय कि श्री जगन्नाथ मिश्र कहते हैं सची माता से, जब जिस रात की बात है कि जिस रात में उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, बोले मैंने रात्रि में कोई ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व देखा जो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। बोले फिर मैं देख रहा था कि हमारे हृदय गेला तुम्हार हृदय, सची माता से कहते हैं कि मेरे हृदय से निकल करके तुम्हारे हृदय में चला गया सची। और वो पता नहीं अब ऐसे कौन जन्मी बेन कौन महाशय, पता नहीं ऐसे कौन महाशय मतलब महान व्यक्तित्व आविर्भाव होने वाले हैं, तो वो ये बात को वहाँ संकेत करके उनसे बोला। तो ऐसे समय बीतता गया लगभग, तो ऐसे नॉर्मल लोगों को जो होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो नवम मास में माता के गर्भ से प्रसव के दौरान जो क्या कहते हैं जगत में आते हैं, परंतु श्रीमद् महाप्रभु 13 मास जो थे श्री सची देवी के हृदय में रहे। और ऐसा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि सबका कहना है, सारे आचार्यों का, 13 मास तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निवास किया। 13 मास के बाद में यदि 1542 कह सकते हैं और 1543 भी बोला जाता है, 1542 भी बोला जाता है, विक्रम संवत 1542 और ईसवी संवत से देखें तो 1486, और यदि हम सख संवत देखें, सख संवत था 1407 शब्दे जन्मीला, तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 1407, वो कहते हैं 1407 शब्दे संवत साख संवत 1407 संवत, सख के हिसाब से ईसवी के हिसाब से 1486, विक्रम संवत हमारा 57 वर्ष आगे चलता है तो 1542 और 1543 भी बोलते हैं। और साल का जो पूरे जो वर्ष होता है हमारा, उस वर्ष का अंतिम दिवस था कौन सा दिवस, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, जिसको कि हम आज के समय पे होलिका दहन का उत्सव मानते हैं ना, जो होलिका जलाई जाती है चौराहे चौराहे पे हर गांव शहर मोहल्ले में, तो वो होलिका के उत्सव में महाप्रभु संध्या के समय में जब चंद्र ग्रहण था, चंद्र उदय हो चुका था, तो वहाँ वो चंद्रमा उदय हुआ और चंद्रमा क्या लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया चंद्रमा को। चंद्रमा को ग्रहण करने का उत्सव क्या था, उस समय महाप्रभु अवतरण हुए, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा 1542 विक्रम संवत है ना, तो विक्रम संवत के हिसाब से जो तब जन्मे और आविर्भाव हुआ श्रीमद् महाप्रभु का। और वहाँ पर पहले ही श्रीमद् नित्यानंद प्रभु 10-12 साल पहले ही अवतरण ले चुके थे पद्मावती माता और हड़ाई पंडित के यहाँ एक चक्र गाँव में, जो कि स्वयं मूल भगवान बलराम हैं, सारे समकर्षण के भी मूल हैं, मूल समकर्षण भगवान नित्यानंद बलराम जी, वो पहले अवतरण ले चुके थे भगवान नित्यानंद माता पद्मावती जो राजा चित्तौड़गढ़ के राजा थे, कहाँ के राजा थे उनकी पत्नी जो
शायद फिल्म भी बनाई थी अभी कुछ दो तीन दो चार साल पता नहीं का ऐसी हो गई दो चार साल पाँच साल। तो वो पद्मावती नहीं है, ये पद्मावती माता अलग हैं, ये रोहिणी जी की अवतार हैं जो कृष्ण लीला में रोहिणी हैं। और इनके जो पिता थे हड़ाई पंडित वो भी वसुदेव जी के अवतार माने जाते हैं। और यहाँ जो जगन्नाथ मिश्र हैं इनमें वसुदेव और भी भगवान के और पिता हैं, वसुदेव कश्यप और प्रश्नी जो प्रश्निगर्भ सुतपा ये सब इनमें सची माता में जो मिलित रूप में हैं। और सची माता यशोदा मैया और देवकी मैया भी इनमें हैं, अदिति माता भी हैं, ऐसे ऐसे भगवान के पूर्वावतार जितने हुए हैं उसमें सबकी जो माताएँ बनी हैं, कौशल्या माता भी हैं, दशरथ जी भी इनमें हैं जगन्नाथ मिश्र में, नंद बाबा भी हैं, वसुदेव जी भी हैं। तो इनका सबका मिलित अवतार ही जगन्नाथ मिश्र और सची माता, पीछे जितनी माताएँ भगवान की और जितने पिता जो बने बने हैं अपनी अपनी लीलाओं में वो सब इनमें इंक्लूड हैं, मतलब शामिल हैं सब। और मतलब कि यदि कहा जाए कि बाकी सबका मतलब आवेश भी बोल सकते हैं, आवेश भी बोल सकते हैं, है ना। और ऐसा तो और मैंने वहाँ बता रहा था नित्यानंद प्रभु पहले अवतरण ले चुके थे, कहाँ पर, एक चक्र ग्राम में। एक चक्र ग्राम में पहले नित्यानंद प्रभु लेते हुए, एक चक्र कोई नया नाम नहीं है, बंगाल में एक क्षेत्र है, एक चक्र वो ग्राम है जहाँ पर पांडव भी गए थे और पांडवों ने वहाँ पर श्रीमन जो महाप्रभु के दर्शन भी किए थे बाद में बंगाल में पांडवों ने। हाँ तो और कई भक्त जो थे महाप्रभु के ऐसी जगह पहले अवतरण ले चुके थे जहाँ पर पांडव जे देशे पांडव न कैला गमन, पांडव ने जहाँ जहाँ गमन नहीं किया, गंगा जी जहाँ होकर के नहीं बहती, ऐसी ऐसी जगहों में भी महाप्रभु के भक्त अवतीर्ण हुए। पूर्व बंगाल के कुछ और सुदूर क्षेत्रों में बूढ़न बांग्लादेश इत्यादि में जो चट्टग्राम और भी जैसोर जिसे यशोहर ऐसे ऐसे जगहों में, यशोहर था पुराना नाम अभी जैसोर हो गया, ऐसे ऐसे और भी जगहें थीं जहाँ पर बंगाल में जहाँ पर गंगा जी होके नहीं बहती और पांडवों ने जे देशे पांडव न कैला गमन, पांडव जो जहाँ जहाँ चरण नहीं रखे हैं, ऐसे ऐसी अपवित्र स्थानों में भी कई भक्तों का आविर्भाव हुआ। अद्वैताचार्य जी भी स्वयं वो तो बाद में आकर के इधर आए थे शांतिपुर, हाँ तो इनका आविर्भाव जो था अलग अलग स्थानों पर सब भक्तों का हुआ था, मुरारी गुप्त का भी हुआ था। तो उसी समय पर ये सारे भक्त जो थे प्रार्थना कर रहे थे भगवान के, उसी समय फाल्गुन पूर्णिमा को भगवान का अवतरण हुआ और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भाव लिया और चंद्रमा को ग्रहण लग गया। चंद्रमा को ग्रहण क्यों लग गया, तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अकलंक गौर चंद्र दीला दर्शन सकलंक चंद्रमा के कौन प्रयोजन। अच्छा महाप्रभु कैसे हैं, महाप्रभु के रूप में या विग्रह में कोई दाग धब्बा है, चलो महाप्रभु का छोड़ो, श्रीमती राधा रानी के विग्रह में कोई दाग धब्बा है, कोई दाग धब्बा नहीं है तो वो ही श्रीमती राधा रानी के किसको लेकर के आ गए हैं, मतलब महाप्रभु के भी नहीं है, महाप्रभु मतलब राधा रानी के कॉम्प्लेक्शन को लिए हुए हैं और भगवान कृष्ण के अंदर भी कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई देता है, एकदम क्लीन है, सब ठीक है उनमें। मतलब दाग धब्बे को बोला जाता है कलंक, जैसे किसी के वो हो जाए ना मुख पे, बोले यार इसके थोड़ा वो कलंक हो रहा, मतलब मुख पे कोई धब्बा है कुछ है ऐसा कुछ है। परंतु तो भगवान कृष्ण कैसे हैं, अकलंक, उनमें कोई कलंक नहीं। श्रीमती राधा रानी कैसी हैं, अकलंक। तो इसलिए महाप्रभु तो राधा कृष्ण ही है ना। तो गौरांग महाप्रभु के अंदर भी महाप्रभु कैसे हैं, अकलंक, उनमें कोई कलंक नहीं है। अब जब महाप्रभु में कलंक नहीं है और श्री कृष्ण में श्री राधा रानी में कलंक नहीं है क्योंकि वो सब एक ही पर्सनैलिटी हैं, अब ये जो चंद्रमा है इसमें क्या है, कलंक है, इसमें धब्बा है। तो बोले अकलंक गौरचंद्र दीला दर्शन, जब निष्कलंक जिनमें कोई कलंक नहीं है, एकदम सौंदर्यवान अत्यंत रूप लावण्य से भरे हुए पीत वर्ण, हाँ सुवर्ण वर्ण एकदम सुंदर वर्ण जो उच्चारण कर रहे हैं और हेमांगो सोने जैसा उनका विग्रह है तपता हुआ और इतने सुंदर हैं, बोले अकलंक ऐसे तब तक कंचन गौरांग जब अवतीर्ण हो गए, अकलंक गौरचंद्र दीला दर्शन, जब दर्शन दिया अकलंक चंद्रमा ने, अकलंक गौरचंद्र ने दीला दर्शन, तो बोले सकल अंक चंद्रमा के कौन पर प्रयोजन। तो सकलंक जो कलंक के सहित जो दाग धब्बे वाला चंद्रमा उसका क्या प्रयोजन रह गया फिर जगत में, इसलिए चंद्रमा शर्मा गया और चंद्रमा को क्या लग गई कि जब भगवान अवतीर्ण हो गए तो फिर अब मेरा कोई कारण ही आज के दिन। और फिर चंद्रमा इस तरीके से सेवा भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है क्योंकि चंद्रमा तो भगवान के भक्त हैं, चंद्रमा इस तरह से सेवा कर रहे थे क्योंकि चंद्रमा को पता था कि यदि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा में प्रकाश, सारे लोग
आप देखो कहीं सड़क से निकलो, यदि घर में रहोगे तो नहीं देख पाओगे, यदि कहीं पूर्णिमा के दिन निकलो रात्रि में और कहीं पे हो और आकाश में ऐसे करके एक नज़र आपकी जरूर जाएगी। क्यों? पहले आप ज़मीन पर देखोगे चलते चलते रात्रि में तो बोलोगे परछाई आ रही, तो परछाई के हिसाब से अच्छा ये चंद्रमा से आती, तो अचानक ऊपर देख लोगे तो एक बार तो सबका अटेंशन किस पे जाता है? चंद्रमा पे जाता है। अब पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा तो अपना प्रकाश करेगा। अब चंद्रमा ने सोची कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो चुके हैं तो फिर यदि मैं प्रकाश करता हूँ तो फिर लोगों का अटेंशन कहाँ होगा? मुझ पर होगा, लोग मुझे देखेंगे, देखो कितना अच्छा चंद्रमा निकल, पूर्णिमा आया, और इससे कोई वो नहीं होगा ना। इसलिए चंद्रमा ने भी और राहु ने मिलकर के प्लानिंग करी, बोले यार इस बार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं तो फिर आज जो है मुझे ग्रहण लग जाना चाहिए। तो राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा दिया, है ना। तो इस कारण से चंद्रमा ने सेवा करी और उससे क्या हुआ परिणाम स्वरूप, जब श्रीमन चंद्रमा के ग्रहण लगने से हुआ ये, हिंदू के हाथ से जे कौराये जवान नारीगण नर नारीगण उलूर ध्वनि, जो नारीगण थी वो उलूर ध्वनि कर रहे थे और नर नारी कौरे हरी हरी, और नर नारी जो थे नारीगण तो उलूर ध्वनि कर रहे थे, उलूर ध्वनि होती है बंगाल में, ऐसे करती हैं माताएं जीभ से ऐसे उल्लू करके, तो वो मतलब उनका शुभ कार्य जैसे पूजा करेंगे कुछ या फिर किसी का जन्म हुआ कुछ हुआ तो वो उलूर ध्वनि होती है, उसे वहाँ पवित्र माना जाता है बहुत ज़्यादा। तो उलूलू की ध्वनि जो होती है वो उलूर ध्वनि महाप्रभु के उसमें जब अवतरण लिए तो नारीगण कर ही रही थी, और साथ ही साथ में क्या चल रहा था, क्योंकि भर भर के लोग इतनी भीड़ गंगा जी की तरफ बढ़ के जा रही थी उस दिन, महाभरमार भीड़। क्यों? क्योंकि सबने सुना है, अभी तो खैर नहीं करते लोग, पूर्व जमाने में जब ग्रहण था, ग्रहण होता था तो आज तो कोई ज़्यादा विचार नहीं करते, जब ग्रहण होता था उस समय पे लोग कुछ खाएंगे पियेंगे भी नहीं, आज भी पर ये सब कुछ तो कुछ नियम तो आज भी करते हैं पर ज़्यादातर लोग नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्ख हैं अज्ञानी हैं, पर पहले लोग करते थे, जब कोई ग्रहण पड़ेगा तो उस समय खाएंगे पियेंगे नहीं और उसमें अधिक से अधिक भगवान का भजन करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, पूजा तो नहीं करते, नाम जपते हैं भगवान का, भजन में कभी भी उनके बाधा नहीं आती, भजन करते हैं, और गंगा जी यदि कहीं पास में कोई नदी है कुछ है तो गंगा जी में जाके मतलब वो करेंगे स्नान करेंगे, क्योंकि सब अशुद्ध हो जाता है ना तो इसलिए फिर वो स्नान करते हैं। तो ये सिस्टम था पहले। तो उसी दिन क्या हुआ कि चंद्रग्रहण हो गया। अब चंद्रग्रहण के समय पर सारे लोगों ने सोचा कि चंद्रग्रहण हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई चंद्रग्रहण पड़ गया, अशुद्धि हो गई, ये हो गई, इतना सब कुछ, इस कारण से सब लोग जिस किसी के मुख से देखो क्या निकल रहा था उस दिन, जो कभी ऐसे नाम नहीं लेते जल्दी तो उस दिन क्या बोले, बोले सब हरि 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 नाम संकीर्तन करने लगे सारे के सारे। और उसमें फिर अपने यहाँ हरिदास ठाकुर और ये श्री अद्वैताचार्य जी, श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्त, जितने भी भक्त थे ये सारे तो फिर पहले ही शामिल थे, उनको पता लग चुका था कि क्या कहते हैं आज तो चंद्रग्रहण है और आज तो मतलब बहुत ज़बरदस्त कीर्तन करना है। तो उस समय सारे भक्तों ने जो है वो कीर्तन किया और जो अद्वैताचार्य जी थे वो तो वेट कर ही रहे थे, वो उस दिन का वेट कर रहे थे जिस दिन मुझे महाप्रभु बुलाएं, तो वो हम आगे कथा जानेंगे कैसे, पर अद्वैताचार्य जी को संकेत हो गए थे कि श्रीमन महाप्रभु ने अवतरण ले चुके हैं और इसलिए फिर, पर वो बता नहीं रहे थे ऐसे किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और तब तक वो अपने सालिग्राम की अभी उपासना बंद नहीं करी थी, हालांकि उनको पता चल चुका था कि भगवान है, परंतु बोले भगवान हैं और मैं उस दिन इनको जो पूरा स्वीकार करूँगा जिस दिन ये क्या करेंगे मुझे बुलाएंगे, मैं स्वीकार करने का मतलब स्वीकार तो पहले कर लूँगा बट फिर भी वो एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यही है ऐसे। तो अद्वैताचार्य जी वो आगे हम सुनेंगे कैसे कैसे क्या होगा। अद्वैताचार्य जी ने वहाँ पर सारे भक्तों को इनवाइट करके और भी हरिनाम संकीर्तन किया, गंगा जी में इतनी भीड़ हो गई, लोग इतनी भरमार की भरमार जाड़ी, इतनी भीड़ निकल ली गंगा जी में स्नान करने के लिए और सारे के सारे मिल करके हरिनाम संकीर्तन चारों तरफ हरी 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 ध्वनि चली थी। ऐसे समय में महाप्रभु का अवतरण हुआ और जब ये सब कुछ जो था चल रहा था वहाँ पे, जब ये सब संकीर्तन चल रहा था उसी समय पे महाप्रभु ये संकीर्तन सुन करके मुस्कुराने लगे, और महाप्रभु का आविर्भाव नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो आज भी नीम का पेड़ वहाँ बंगाल में जो महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु जी का क्या बोलते हैं बर्थ प्लेस, जिसे अपीयरेंस प्लेस भी बोल सकते हैं, आविर्भाव स्थल जो है या जन्म स्थल जो है, तो वहाँ पर आज भी नीम के पेड़ हैं, और नीम के पेड़ में जो नीम की पेड़ को जो तुलसी देवी के समान वहाँ माना जाता है, उनकी पत्तियों को लेकर के भक्त लोग सब ऐसे करके और फिर लेते भी हैं, उनको तुलसी देवी के समान माना जाता है नीम को। नीम के पेड़ के नीचे अवतरण होने के कारण महाप्रभु का नाम निमाई भी पड़ा। महाप्रभु जब ये संकीर्तन चल रहा था उस समय बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंसने लगे भगवान, और भगवान अवतरण ले चुके थे। उसी समय पर हुआ क्या कि इनके जो जब ये सब चल गया फिर हो गया जो क्या कहते हैं
ठीक है, शाम वाला समय निकल गया, क्योंकि नारीगण तो उलू ध्वनि कर रही थी, हरिनाम संकीर्तन ऐसे करते करते संध्या समय वैसे ही, ऐसे करते 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 रात भर जो है खूब भजन हुआ, कीर्तन हुआ, उसके बाद ऐसे अगला दिन निकल आया सब लोग। ठीक है कि भाई सब ने जिसने भी सुना वहाँ से आसपास में कि ये किसी बालक का जन्म हुआ है, किसके यहाँ, बोले सच्ची माता के यहाँ, तो वो अचानक ही अपने आप ही उस बालक की ओर आकर्षित हो जाता था। मतलब वैसे कोई लोग किसी के यहाँ से बालक होता था कोई देखने जल्दी आते नहीं, बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, परंतु ये बालक जो हुआ, ये बालक कोई बालक नहीं थे, ये तो सबके पिता थे तो जब सबके पिता सबके बाप बाप थे वास्तव में, तो सब ने जिसने भी सुना कि वहाँ उसने किसी ने बालक ने जन्म लिया है और वो सची माता और वो जगन्नाथ मिश्र के हैं, वो लोग तो माता नहीं बोलते, मतलब सची जो सखियाँ थी सची माता की, सची के यहाँ आग्रह हुआ है, और इनके जो मामा थे चंद्रशेखर आचार्य ये सब लोग, तो ये सब लोग जो थे वहाँ पर आने लगे एक एक करके एक एक करके, और सब ने जो गए बहुत सारा उत्सव मनाया उस दिन, और देखते थे जैसे बालक को तो कुछ संकेत होता था उनको माइंड में कि एक अलग है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, उनको लगता था ये कोई बालक साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण कोई व्यक्तित्व उनको लगता था, पर पूरे तरीके से वो नहीं कर पाती, तभी तो सची माता के वो समय पे सची माता के पास में वो आई, श्रीपाद अद्वैताचार्य की पत्नी भी आई थी, अद्वैताचार्य नहीं आए थे, श्रीपाद अद्वैताचार्य की पत्नी आई थी सची माता को देखने के लिए, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, साक्षात गोकुल का वर्ण मात्र देखी विपरीत, कि वास्तव में ये सची ये तुम्हारे जो बालक हैं, उनको ऐसा लगा मन में, क्योंकि जब उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही सीता ठाकुरानी ने उन्होंने देखता है, और देखते ही मतलब साक्षात गोकुल के कान्हा हैं, वर्ण मात्र में ही केवल श्रीमती राधा हैं, वास्तव में तो ये कान्हा हैं पर वर्ण में राधा हैं, तो ऐसा उनको वहाँ पर दिख रहा था। और इनके जो नाना जी भी आए, इनके नाना जी उस समय के सबसे बड़े, ये वो नाना जी कोई और नहीं है, वही नाना जी हैं जिन्होंने पिछली बार नाना तो नहीं बने थे, पर हाँ जो यदुकुल के पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी, तो गर्गाचार्य जी ही इस लीला में श्री नीलांबर चक्रवर्ती हैं। अच्छा ये भी मैं ध्यान रखूंगा जहाँ तक हो सका, तो जो जो भक्त जिस जिस उसमें है ना, उनका जो मूल मूल और भी स्वरूप हैं, तो वो भी साथ साथ बताता चलूँगा, तो कहीं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार मैं मूल स्वरूप को बोल दूँ तो फिर बोलेंगे यार इसमें गर्गाचार्य जी कहाँ से आ गए, तो वो साथ साथ ये भी बताऊँगा गर्गाचार्य जी मूल स्वरूप में कौन कौन व्यक्ति मूल स्वरूप में कहाँ, जहाँ तक मेरे को वो रहा, नहीं तो कई बार ऐसे स्किप कर जाऊँ तो एक अलग बात है, तो कि जो गर्गाचार्य जी हैं जो वही नीलांबर चक्रवर्ती होकर के आए हैं, गर्गाचार्य जी ने नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में यहाँ पे अवतरण लिया था, और नीलांबर चक्रवर्ती कोई और नहीं श्री सची माता के पिता हैं, मतलब भगवान के नाना, भगवान गौरचंद्र के नाना गर्गाचार्य जी ने अवतरण लिया। अब पहले भी गर्गाचार्य जी ने ही नाम रखा था वास्तव में महाप्रभु का, और इस समय भी किसने ही नाम रखा था, नीलांबर चक्रवर्ती ने। महाप्रभु का जो आविर्भाव है उस समय पर महाप्रभु के लग्न में जो था उनका सिंह लग्न में जो अवतरण हुआ था, जिसमें महाप्रभु का अवतरण हुआ, सिंह मतलब कि नरसिंह, महाप्रभु तो नरसिंह थे, हाँ नरसिंह भी उनके अवतार हैं, और परा जिसे बोलते हैं परावस्थ हैं, राम कृष्ण ऋषभ ये तीन परावस्थ बोले जाते हैं, तो इसीलिए सिंह में होने के कारण महाप्रभु वास्तव में गौर सिंह भी थे, एक बार नरसिंह रूप में भगवान ने दिखाया भी था, तो सिंह राशि महाप्रभु का जो राशि हुई थी सिंह हुआ था। और उस समय पर जब महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं तो नीलांबर चक्रवर्ती जब आए तो उन्होंने महाप्रभु की जब जन्मपत्री मतलब कुंडली और जन्मपत्री सब देखी, उन्होंने साक्षात बता दिया कि इस बालक में एक अद्भुत लक्षण है, और अद्भुत लक्षण होने के कारण इनके अंदर जो पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्तरक्त षडुन्नत तीर ह्रस्व पृथु गंभीर द्वात्रिश लक्षण महान, बोले इनमें 32 लक्षण ऐसे हैं जो जो सप्तरक्त षडुन्नत से जो हैं वो उन्नत हैं, सप्तरक्त हैं, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म, पंच दीर्घ हैं पंच सूक्ष्म, सप्तरक्त और सप्तरक्त षडुन्नत त्रिह्रस्व पृथु गंभीर और तीन ह्रस्व हैं, तो वो सारी जो है बहुत लंबा ऐसे विस्तरण है श्री, ये जो श्लोक है वो सामुद्रिक शास्त्र से है, ये महापुरुष के लक्षण होते हैं, मतलब ये जो 32 लक्षण इसमें बताए जाते हैं, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म, पंच पंच कितने 10 हो गए, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त सात रक्त, षड उन्नत छः जो उन्नत होते हैं, त्रिह्रस्व तीन ह्रस्व होते हैं, है ना, तो पृथु गंभीरो द्वात्रिंशल, ऐसे करके 32 लक्षण जो महापुरुष के बताए जाते हैं, तो वो बहुत लंबा विस्तार है, अभी तो नहीं जाऊंगा उसमें, कि ये सारे लक्षण जो 32 लक्षण जो एक महापुरुष में होते हैं, मतलब वो यहाँ का साधारण पुरुष नहीं होता, वो कोई वो महापुरुष महापुरुष हैं,
और उनमें से मैं एक दो पे बात करूंगा, चारी हस्त हो पुरुष विख्यात, ऐसे ऐसे उन सब पे बात करूंगा। तो महाप्रभु के अंदर द्वादश 32 लक्षण वैसे नॉर्मल लोगों में वैसे ही कम कुछ कुछ मात्रा में होते हैं, 32 लक्षण कुछ कुछ मात्रा। यदि कोई नॉर्मल महापुरुष भी होता है, कोई महापुरुष मतलब पुरुष ऐसे ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े लक्षण ये होते हैं, परंतु तो महापुरुष में संपूर्ण मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में ये क्या थे, ये 32 लक्षण संपूर्ण मात्रा में महापुरुष में विद्यमान थे। उनमें से जैसे एक दो आकर्ण लोचन महापुरुष के बड़े बड़े विशाल नेत्र, तेल फूल नासा, और महापुरुष का जो उदरतरय रेखा और शंख के समान ये जो कंठ और ये जो हाथ थे, ये महापुरुष के हमारे सबके लोगों के जंघा तक हाथ आते हैं जब हम खड़े होते हैं ना, ऐसे जंघा तक पहुँचते हैं। परंतु श्रीमद महापुरुष के हाथ कैसे थे, आजानु, जानू मतलब घुटने तक, उनके आजानु लंबित घुटने तक लंबे हाथ थे महापुरुष। और भगवान में ये लक्षण होता है, और हाथ में और चरणों में भी उनके बहुत सारे चिन्ह थे जो भागवतम में जैसे वर्णन है, अंकुश का, ध्वजा का, वज्र का, वो सारे चरण चिन्ह जो होते हैं भगवान में जितने भी, तो वो सारे चरण चिन्ह महाप्रभु ने चरणों में स्थित थे, उनके हाथ में भी करकमल में भी कुछ बहुत सारे चिन्ह स्थित थे। ये सब देखा उन्होंने देखा, और इतने में एक जो महान ऋषि, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी करी, जो नीलांबर चक्रवर्ती थे, उन्होंने कहा कि सच्ची ये तुम्हारा जो पुत्र है ये बृहस्पति से भी श्रेष्ठ होगा विद्वता में। और वास्तव में हम देखें तो कैसे, भगवान तो श्रेष्ठ हैं ही, परंतु भगवान ने लीला में करके भी दिखाया बृहस्पति से श्रेष्ठ कैसे। सारे भारतवर्ष में नंबर वन, एक नंबर के जिनको हम बोलते थे, तर्क में बोलो, तार्किक उसमें बोलो, न्याय में बोलो, और वेदांत इत्यादि सबकी व्याख्या करने में उस समय पर बहुत फेमस थे। पहले तो केशव काश्मीरी को हरा दिया था हालांकि, पर केशव काश्मीरी को हराने के बाद में जब महापुरुष संन्यास लेने के बाद में गए तो नीलाचल गए, नीलाचल में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, भट्टाचार्य जी को पहले ही परास्त किया, और 7 दिन पहले उनसे श्रवण किया, बाद में बोले अरे यार जो तुम बोल रहे हो, जो सूत्र बोल रहे हो वो तो ठीक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र योनित्तात्, हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं, परंतु इसकी जो तुम व्याख्या कर रहे हो व्याख्या मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। और फिर बाद में उनके 64 अर्थ करती है, आत्मा रामस्य मुनयो नरगंथा अप्युरुक्रमे कुरवंती अहितु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि, इस श्लोक के ऊपर श्रीमद भागवतम के विषय में बताते हुए 64 व्याख्या कर डाली, और एक के बाद पहले 16 वाक्य, फिर उसके बाद 16 वाक्य, ऐसे ऐसे करके उसको बढ़ा देगा, और ऐसे इतनी सारी व्याख्या कर डाली। साक्षात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं, और बृहस्पति भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, बोले प्रभु इतनी व्याख्या, और भगवान ने बोला कि आमार आमी चखाई थे तुम्हारे एक बिंदु, बोले मैं तो तुम्हें एक बिंदु चखाया है, अभी कुछ नहीं बताया, इतना सब कुछ बोल करके, और महापुरुष ने उनको परास्त किया। तो ये अपने उसमें जीवन में महापुरुष ने करके दिखाया। तो उन्होंने जो बचपन में भविष्यवाणी हुई थी कि बालक तुम्हारा सारे देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, मतलब देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति सारे देवताओं के गुरु हैं, और बृहस्पति के भी जो गुरु हैं जगत गुरु हैं वे कौन हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वही भगवान ने आकर के अपने लीला आचरण के द्वारा ये हमें दिखाया भी कि कैसे भी बृहस्पति से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और भगवान ने जन्मपत्री के समय और भी बहुत सारी भविष्यवाणी करी कि ये बालक जो है वो महान अपने जो धर्म का महान परम धर्म का प्रचार करने वाला होगा। परम धर्म मतलब भक्ति, सिंपल सी उसमें बात कर गए, यथो भक्ति अधोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, तो वो परम भक्ति के प्रचार करने वाले। उसी समय पे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में एक ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे, महान ऋषि थे कोई, और वो ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी वहाँ पर भविष्यवाणी करी, बोले ये जो तुम्हारा पुत्र है साक्षात नारायण है, ऐसे बोल दिया, और साक्षात नारायण है और साक्षात भगवान कृष्ण है, ऐसे ऐसे बोल दिया। पर लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि, पर वहाँ बोल दिया उसी समय, और कुछ लोगों ने इसको सुना भी। और उसी समय पर जब ये सब भविष्यवाणी चल रही थी, उनके नीलांबर चक्रवर्ती, उनके नाना यानी गर्गाचार्य जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऋषि जो महान कोई महान ऋषि हैं वे भी एक ब्राह्मण के रूप में आए। वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि एक बोल रहा था, एक ने तो डायरेक्ट ये बोल दिया भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और एक ने बोल दिया बोले ये तो परम धर्म का प्रचार करने वाला होगा और पूरे जगत में जो नाम संकीर्तन का प्रचार करेगा, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियाँ हो गई हैं, इसकी जो कीर्ति है भगवान राम और कृष्ण के समान जगत में फैलेगी। ये सब प्रचार जब सुन रहे थे लोग तो ऐसे देख रहे थे कि चारों तरफ। उसी समय लोगों को एक भविष्यवाणी का याद आया कि बहुत सालों से लोग भविष्यवाणी सुनते आ रहे थे, क्या बोले एक दिन हमने सुना है कि एक ब्राह्मण का पुत्र होगा जो बंगाल का राजा बनेगा, तो कहीं यही तो नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो ऐसी भविष्यवाणी तो किसी के बारे में नहीं हुई कि साक्षात इसकी कीर्ति कैसे पूरे संसार में फैलेगी। बोले जैसे भगवान राम और कृष्ण, कैसे फैलेगी, भगवान राम और कृष्ण की तरह पूरे संसार में विख्यात होगा। वास्तव में महाप्रभु ने स्वयं
होगा भी, और महाप्रभु ने स्वयं भी बोल दिया, क्या बोल दिया, पृथ्वी ध्याते नगराधिग्रह सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम, सब जगह महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। श्री मध्वाचार्य जी ने पहले बोल दिया, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने पहले बोल दिया, उनकी इच्छा थी पूरी करने की पर महाप्रभु ने उनको रोका था, और श्री रूप गोस्वामी ने पहले बोल दिया महावदान्या इत्यादि श्लोकों में, और अपने कर्चा लिखते समय उन्होंने रूप गोस्वामी कर्चा उसमें लिखते समय पहले महाप्रभु ने बोल दिया अनर्पित चरम चरात करुणे अवतीर्णा कलो कलयुग में अवतीर्ण हुए, है ना। ये सारी बातों को महाप्रभु ने पहले ही अपने भक्तों के द्वारा भी और अलग अलग स्थानों में पुराणों में ग्रंथों में शास्त्रों में अपने नाना श्री गर्गाचार्य यानी नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा एक ब्राह्मण के द्वारा लोगों के द्वारा पहले से ही मतलब वो प्रिडिक्ट करवा दिया कि लोगों के माइंड में एक बात करना कहीं ना कहीं छप जाए कि जो जिसके बारे में भविष्यवाणी होती आ रही है कि एक दिन एक ब्राह्मण का बालक ही वास्तव में बंगाल का राजा बनेगा। अब बंगाल के राजा वास्तव में देखा जाए तो गौड़ देश के राजा कौन है, आप गौड़ देश में जाओ तो गौड़ देश मतलब बंगाल उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र है जो ये जगन्नाथपुरी का बना, ये सब गौड़ देश में आता है। इधर उसको झारखंड से ये जो झारखंड से होकर के ये कुछ क्षेत्र है मतलब पीछे और पूर्व बंगाल से लेके मैप में आप चेक कर सकते हो जैसे जैसे गौड़ देश फैला हुआ कैसे 84 किलोमीटर में, तो वो जो है ऐसे गौड़ देश जो था गौड़ मंडल वहाँ का राजा बंगाल का राजा बनेगा। तो ये भविष्यवाणी महाप्रभु फिट होती है वास्तव में, और वास्तव में बंगाल के राजा महाप्रभु हैं आज भी हैं। आप देख लो दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर किसका बनना है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, तो राजा का मंदिर तो ऐसे बनता है ना। और जो मायापुर में मायापुर की धरती पर आज हो रहा है, श्री नित्यानंदपुर ने भविष्यवाणी करी थी, है ना, और श्री भक्तिमर ठाकुर ने बड़े बड़े महान आचार्यों ने पहले से ही यहाँ पर संकीर्तन होते देखा था। आज वो जो उन्होंने संकीर्तन देखते थे मतलब भविष्यवाणी भविष्य की जो महान कार्य होने वाले थे उनको पहले से दिख रहे थे वो आज हो रहे हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, फिर भक्ति महारानी ने जो कहा था वो सारे कार्य पूरे हुए, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में उनके गुरु महाराज ने जो कहा था वो सारे कार्य पूरे हुए, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज के विषय में जो भविष्यवाणी थी शास्त्र में वो पूरी हुई। अब मैं बार बार इनका एक एक कोट करूँ बार बार, परंतु हमारे पास सारे संकेत के द्वारा हमें पता चलता है कि पहले से सब कुछ प्रिडिक्शन है। परंतु जो धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति कीर्तनस्वा मृदंगा, और जो परंतु इतना सब कुछ सुनने पर समझने पर देखने पर ना देखने पर भी ना, यदि देखा है तो मान लो, नहीं देखा है तो फिर सुन के मान लो, और सुन के भी नहीं मान ले तो देख करके मान लो, पर वो जो तीनों तरीके से ना माने उनको क्या धिक्तान धिक्तान, वो लोगों के लिए धिक्कार 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 ऐसे लोगों का जीवन। और महाप्रभु का जो धाम महाप्रभु का नाम महाप्रभु स्वयं ये भिन्न नहीं है कदापि राधा कृष्ण से और उनके धाम से, है ना। नवद्वीप धाम वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं, श्रीमन महाप्रभु ने राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। गौर कृष्ण एक अकौरी मानी, गौर कृष्ण को एक एक ही है ऐसा तत्व मानो, एक तत्व मानो, और एक स्वरूप उनका माधुर्य स्वरूप है, एक स्वरूप उनका उदर स्वरूप है। तो ये सब भविष्यवाणी उसमें हुई। ऐसे करते करते जो था बालक के कुछ महीने जो थे 3-4 महीने जो थे बीत गए। 3-4 महीने के बीच में महाप्रभु की लीला जो थी वो कृष्ण की लीलाओं के समान ही थी, कृष्ण की लीलाओं के समान ही थी। और जिस समय महाप्रभु का अवतरण हुआ था उसके कुछ ही दिनों में क्या होता था, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, और लोगों की भीड़ के समय नहीं, जब लोगों की भीड़ लगी रहती तो उस समय देवता आते थे। परंतु इससे पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊं, जब भीड़ तो लगी रहती थी परंतु जब जिस समय बताते हैं ना कि श्रीमद् महाप्रभु का जो अवतरण होने को था तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र में और श्री सची माता में प्रवेश कर गए, ऐसा बोला जाता ना, उनके हृदय में प्रवेश करे फिर वहां से उनके हृदय में, तो उस समय बताया जाता जब उनके गर्भ में थे। तो जैसे भगवान कृष्ण की स्तुति हुई, सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम, भगवान को 9 बार सत्य 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 कहकर के परम सत्य कहकर के संबोधित किया गया देवताओं के द्वारा, स्तुति हुई, उसे श्रीमद् भागवत में गर्भस्तुति के नाम से विख्यात है जगत में, उसे सभी लोग गर्भस्तुति कहते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण की गर्भस्तुति हुई गर्भ में जब भी थे माता देवी की, ऐसे बताया जाता, तो देवताओं ने स्तुति करी तो वो गर्भस्तुति हुई। ऐसे ही श्री सची माता के यहाँ जब श्रीमन महाप्रभु स्थित थे उस समय पर शिवजी ब्रह्मा जी आकर के और भी सारे और भी सब, ये तो मतलब मुखिया है मुखिया सब हैं, शिवजी ब्रह्मा जी और भी आदि आदि देवतागण सब आकर के स्तुति करते थे। क्या स्तुति करते थे, अनेकों प्रकार की स्तुति करते थे कि आप ही राम कृष्ण रूप में जो पहले भी अवतीर्ण हुए हो, आपने ही वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, आपने ही ऋषभ रूप में हिरण्यकश्यप को मारा, और जो अनेकानेक ब्रह्मांड आपसे व्यक्त होते हैं मतलब आपके द्वारा प्रकट होते हैं आपसे, मतलब महाविष्णु है ना, तो भी वो भी आप ही, परंतु आज आप स्वयं सची माता के गर्भ में इसी तरह, ये प्रभु हम आपकी लीला समझ नहीं पा रहे, मतलब भगवान के लिए वो हो गया ना कि भगवान से सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं और अब भगवान ही स्वयं सची माता के हृदय में स्थित हैं, तो भी ये
उनको बोले समझ नहीं आ रहा कि हमारे द्वारा आपकी लीला अगम्य, मतलब हम उसको जान नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे स्तुतियाँ करते थे जो देवता करके पहले से ही। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के समान ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है। तो बचपन में महाप्रभु जब, जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, छोटे थे, एक बार यशोदा मैया बाहर थी तो उन्होंने उठा करके मटकी फोड़ दी, फिर दामोदर लीला हुई, तो पूरा कार्तिक मास जो मनाया जाता है। तो दामोदर लीला में यही दर्शाया गया, और सेम वही सीन यहाँ पर भी हुआ महाप्रभु के समय पर, जब महाप्रभु जब थोड़े थोड़े, क्योंकि 13 महीने के तो महाप्रभु पहले ही, मतलब देखने में तो 13 महीने के ही थे। 13 महीना कितना हो गया, यदि आप 9वें महीने से लगाओ, 9 महीने में बाला होता तो 4 महीने के पहले थे, फिर 4 महीने में जब और हुए तो 8 महीने के हो गए लगभग, तो महाप्रभु 8 महीने के हो गए यदि वैसे देखोगे तो 4 महीने के बीच में कुछ में। तो महाप्रभु ने बीच में एक दिन क्या किया, उठे और जो दही दूध मक्खन ये सब चीज़ें रखी हुई थी सबको फैला दिया, और पूरे जो आंगन था सारा उसे बखेर दिया, और इसने में सची माता आ गई। तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ कौन है, और ये देख करके सब लोग दौड़ते दौड़ते आए, और उन्होंने बहुत चिल्लाया होगा कि अरे कौन है ये, मटकी कौन बिखर का, उनको ये भरोसा ना हो क्योंकि बालक तो पालने में सो रहा है, और बालक जब पालने में सो रहा है तो फिर ये मटकी कौन बिगड़ सकता है, वो कमरे में कोई और आया नहीं है, ये सारी मटकियाँ फैली पड़ी हैं, घी भी गिरा हुआ है, मक्खन भी गिरा हुआ है, इसमें दूध भी सब, ये क्या कर दिया, किसने करा। तो ऐसे करके वो कभी कभी चिल्लाती थी, तो उस समय पर लोग ये कौतुक देखने आते थे, और कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा होता था कि कहीं सोते हुए ये शिशु निभाई नहीं तो कुछ नहीं कर दिया, क्योंकि जब वो पहली बार में जब महाप्रभु को देखा तो देखा ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, तो लोगों को संकेत होता, परंतु कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था कि आपने, आपके पुत्र ने किया या किसने किया। और जब तक कोई देखने आने वाला होता था उससे पहले महाप्रभु सब कुछ ये फैला के, जैसे सुनते थे कोई आने वाला है, महाप्रभु फट से जाकर के पल्ले में वापस सो जाते थे, और पूरी ऐसी एक्टिंग करते कि देखो वो तो सो रहा है जैसे भगवान कृष्ण। तो ऐसी लीला चलती थी। ऐसी जब एक बार जब महाप्रभु का जब अवतरण हो चुका था, उस समय पर देवता लोग महाप्रभु की स्तुति करने आए, तो उस समय कुछ वृद्ध लोगों ने क्या किया, बूढ़े बूढ़े लोग थे गाँव के, तो ऐसे होते हैं डोकर गई, तो वो बूढ़े बूढ़े लोगों ने अचानक से, देवता लोग जो थे उनका ऐसा आभास मात्र सा हो रहा था, जैसे छाया जैसी दिख रही थी कुछ, तो उनको लगा कि ये कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, जो जैसे बालक जब अवतरण लेते तो उस समय पर काफ़ी ख्याल रखे जाते हैं माता के बालक के भी, कि कहीं इस पर कोई भूत प्रेत बाधा कोई अटैक ना कर दे, ऐसा होता है ये, तो ये सब चीज़ें बहुत ख्याल रखी जाती हैं। तो फिर और बंगाल में तो और ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आप देखोगे तो तांत्रिकों का भी बहुत ज़्यादा स्थान है, तो इसी हिसाब से तो लोग सोचते हैं कि आप महाप्रभु के दर्शन करने के देवता आए हुए हैं, उनकी छाया जैसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई कुछ है यहाँ पे, कोई कुछ लोग खड़े हैं लग रहा है, पर वो स्पष्टतः दिख भी नहीं रहे हैं, पर पूरी तरह से गायब भी नहीं है कि कोई नहीं भी है, ऐसा छाया जैसी कुछ लग रही है। तो अचानक जो बूढ़े लोग होते थे वो अपने डंडों से ऐसे करके उनको भगाने की कोशिश करते थे, और बार बार नृसिंह नृसिंह ऐसे कहते हैं, नृसिंह भगवान के बोलने से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं ना, हनुमान जी के इसमें आता है ना 40 में क्या कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो परंतु हम लोग वैष्णव जो हैं, जब कभी ऐसे भूत कुछ होता है तो भगवान नृसिंह का ऐसे, मतलब वैष्णव तंत्र में भगवान नृसिंहदेव का बोला जाता है, मतलब हालांकि हमारे कृष्ण महामंत्र भी जपेंगे तो कोई बात नहीं है, बट भक्त लोग जो है नृसिंह नृसिंह भी कहते हैं। तो उनको लगा अभी नृसिंह नृसिंह कहूँगा और ये सारे भूत भाग जाएंगे, तो जैसे ही वो नृसिंह नृसिंह कहते और इतने में, अब वो तो देवता हैं, भूत प्रेत तो है नहीं जो भाग जाएंगे, देवता थोड़ी भाग जाएंगे, देवताओं को तो नृसिंह भगवान के नाम लेने से और प्रसन्नता होती है, वो तो उनके साथ में और कीर्तन करेंगे। वो जैसे ही नृसिंह नृसिंह कहें तो भी देवता जाते नहीं थे, और देवता अपने मुख पर हाथ रख करके आपस में हंसते रहते थे कि ये देखो बूढ़े, कि वो इसलिए नहीं हंसते थे कि देखो कि हमें भगा रहा है पर हम भाग नहीं रहे, वो इसलिए हंसते थे कि इनका भगवान के प्रति प्रेम देखो कितना है, कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान है, परंतु भगवान होते हुए भी इनको बिल्कुल आभास नहीं हो रहा है कि भगवान है, और ये सोच रहे हैं एक साधारण बालक है, इसलिए साधारण बालक की भूत प्रेतों से रक्षा करने के लिए हम नृसिंह का उच्चारण करेंगे और भूत प्रेत भाग जाएंगे, पर वास्तव में हम लोग भूत प्रेत, तो इसलिए वो हंसते थे उनके प्रेम को देख करके कि हमसे ज़्यादा भाग्यवान अत्यंत सौभाग्यवान तो ये बूढ़े, और ये बूढ़े लोग मतलब बूढ़े और जवान लोग भी होते थे वहाँ पर हंसते थे जो देखने आते थे महाप्रभु को कि कितने सुंदर हैं कैसे हैं, तो ऐसा तो वो नृसिंह नृसिंह उच्चारण करते, जब वो देवता नहीं जाते तब वो एक बूढ़ा उनमें उठ करके कहता कि अरे मूर्खों भूत प्रेतों बुरी आत्माओं, तुम्हें पता नहीं कि भगवान के भगवान नृसिंह के नाम में कितनी शक्ति है, वे तुम्हें भस्म कर सकते हैं जला करके ऐसे ऐसे, तो उसमें भी देवता लोग हंसते थे, तो ऐसा ऐसा सीन भी होता था। और उस समय पर महाप्रभु 3-4 महीने के हो गए, तो बीच में ये सब लीला चली, माखन की जो मटकी थी ये सब उन्होंने फोड़ डाली, परंतु उनको दंड नहीं मिला, दंड नहीं मिला, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जब फोड़ते थे तो उस समय पर भगवान कृष्ण तो अकेले पड़ जाते हैं, परंतु महाप्रभु के उसमें राधा रानी के भाव भी संग में, तो राधा रानी और कृष्ण प्लस हो गए, तो इसलिए इस बार ज़्यादा वो आ गई, बोले इस बार तो मैया की मार
नहीं खानी ज़्यादा, इसलिए भगवान मटकी फोड़ फाड़ के वापस अंदर पलने में ही सो जाते थे। तो फिर किसी को पता ना चल पाता। फिर ऐसे समय बीता गया, लगभग 3-4 महीने और बीत गए, तो लगभग महाप्रभु 8 महीने के हो गए। उस समय पर महाप्रभु का नामकरण भी, जो नामकरण के विषय में बताना भूल गया, नामकरण हुआ तो नीलम्बर चक्रवर्ती ने बालक का नाम रखा विश्वम्भर। विश्वम्भर का मतलब जो जगत के पालन करता है, वो नाम विश्वम्भर। परंतु दूसरा अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया कि नाम सार्थक होए यदि प्रेमे विश्वभरी। मेरा नाम है विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाला, संसार का भरण पोषण करने वाला। तो अब मेरा नाम विश्वम्भर है, तो यदि मेरा नाम, अब जिसका जो नाम है वो नाम तो सार्थक जब ही होगा जब वो उसके अनुरूप कार्य करे कुछ। तो यदि मेरा नाम विश्वम्भर है और यदि मैंने नाम सार्थक मेरा जब ही होगा प्रेमे विश्वभरी, पूरे विश्व को अपने जो कृष्ण के प्रेम से भर दूँ, प्रेम से, कृष्ण प्रेम से भर दूँ पूरे विश्व को, नाम सार्थक होए जबे प्रेमे विश्वभरी, प्रेम से यदि पूरे विश्व को भर दूंगा तो मेरा नाम सार्थक हो जाएगा। तो ये विश्वम्भर का मतलब ही। फिर महाप्रभु के निमाई नाम भी रखा गया, और जो महाप्रभु जो हंसते थे, नारीगण हरि बोले हंसे गौर हरि, नारीगण हरि हरि बोलते थे तो निमाई जो थे हंसते थे। महाप्रभु के अंदर और भी एक कारण और था, महाप्रभु जब आए बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, कोई चुप ही नहीं होते थे, कोई भी चुपाए, कोई बोले टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, मतलब टॉफ़ी का मतलब समय कुछ और बोलते होंगे दिखाते होंगे, जैसे आज हम बोलते हैं टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, पहले कुछ और होगा कि ये ले लो, ऐसा कर लो, वो कुछ चुप नहीं होते थे। बचपन में जब रो रहे हैं, जब गोदी में ही, तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाते हैं बच्चे को, जैसे दिखाएंगे कि ले ले ले, ऐसे कुछ भी कि ये ले ले, ऐसे झुंझुना हिलाएंगे तो बच्चा फिर चुप हो जाता था। महाप्रभु चुप नहीं होते थे, मतलब सारा जो सर रो रो के घर पे उठा लेते, घर पे कह रहे हैं सारा घर सर पे उठा लेते रो रो के, और रोते रोते ऐसे पूरा समय बीत जाता। तब अचानक से किसी ने, एक समय पे क्या हुआ कि मुख से हरि हरि नाम लिखा, हरि बोल हरि बोल, तब अचानक से महाप्रभु चुप हो गए। तब लोगों ने पकड़ लिया, अरे इसका लिंक तो हरि हरि से है, ये तो इस्कॉन वाला है ये ऐसे शांत नहीं होगा तो सबको जब पता चल गई कि गौड़िया मठ इस्कॉन से है और ये ऐसे शांत नहीं होते, तो तभी जो गौड़िया मठ भक्त हैं उनको कुछ भी दे दो आप, परंतु यदि आप हरिनाम के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो तो वही एक उनकी प्रसन्नता, यदि नहीं तो वो प्रसन्न नहीं होते। ऐसे तो ऐसे ही चीज़ें वहाँ पर प्रसन्न नहीं होते थे, मुस्कुराते नहीं थे, हंसते नहीं थे, नहीं तो रोते ही रहते थे। तो उनको जब पता चल गया कि ये तो इसका जो कनेक्शन है वो हरिनाम से है, तो उस समय सारे लोग फिर हरिनाम ही किया करें। यदि महाप्रभु जब जब चुप नहीं होंगे तभी कोई ना कोई हरिनाम शुरू कर देगा, फिर लोगों को पता चलेगा। तो 2-4 बच्चे सब लोग और मिलकर के हरिनाम गाते ही रहते थे उनके पास बैठ करके, और जैसे हरिनाम बंद करें तभी महाप्रभु अपना हॉर्न शुरू करें, बोले अभी नहीं बोलोगे तो रुक जाओ फिर अभी रोता हूँ। और जब छोटा बच्चा रोए तो बहुत सबका दिमाग खराब हो जाता है, जब कोई छोटा बच्चा रोए ना तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है, और जो कभी गुस्सा नहीं करेगा उसको भी गुस्सा आ जाती है, कह रहे इसे शांत कराओ, क्योंकि बहुत उसे लगता है कि यार रो रो के कहीं इसका बुरा हाल ना हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, छोटा बच्चा रो रहा है कहीं कोई वो हो जाए, इसे प्रॉब्लम हो जाए या और भी प्राण भी जा सकते हैं, ऐसा भी लगता है कई बार लोगों को, इसलिए बहुत गुस्सा हो जाता है कई बार कोई छोटा बच्चा रोए। मैं भी कई बार गुस्सा हो जाता हूँ छोटा बच्चा कोई रोता है तो जब छोटा बच्चा रोए तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि वो कुछ बोल सकता नहीं, समझ सकता नहीं, तो लोग यही सोचते थे। पर जब सबको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु का लिंक हरि नाम से, जैसे रोएगा तभी ये प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स चला दो चैंटिंग बॉक्स चलाने का मतलब कि हरि नाम शुरू कर दो, और जैसे ही हरे कृष्ण सब गाएंगे उसी समय महाप्रभु शांत हो जाएंगे, और जैसे ही महाप्रभु शांत हो जाएंगे सब फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर धीरे 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 खिसकने होंगे एक एक करके हाँ ठीक है चुप हो गया, जैसे ही बंद हुआ तभी यहाँ महाप्रभु का शुरू रोना। तो ऐसे महाप्रभु रोते थे, रोदन करते थे, जब नारीगण हरि हरि बोले तब हंसे गौर हरि, तब हंसते थे गौर हरि, गोरे थे अत्यंत गौरांग रूप में थे, क्योंकि तब तक कांचन गौरांगी का वर्ण गौर वर्ण लेकर के आए थे, इसलिए उनका नाम गौरांग भी था, गौरांग भी प्रसिद्ध हुआ जगत में। और जो अब जब घर में देखा है आपने कभी छोटे बच्चों के लिए, घर बड़े तो रोते हैं ये तो हम जानते ही हैं, परंतु बालक हो कोई 10 वर्ष का या 8 वर्ष का या 5 वर्ष का 6 वर्ष का, और उसके घर में कोई छोटे बालक का जन्म हो जाए, तो बड़ा वाला जो भाई होता है या फिर बहन होती है वो उसको पूरे दिन ऐसे उला उला करके खिलाते रहते हैं, ऐसे करके अरे 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 ऐसे करके, मतलब गोदी में लेगा, उछालेगा थोड़ा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर यहाँ कमर पर बैठा लेगा, फिर थोड़ा कहीं घूमने जाएगा या जाएगी, बहन है तो ऐसे बड़ी, तो ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे। तो ऐसे ही अब महाप्रभु से बड़े कौन भाई थे, 8 बहनें तो पहले होकर मर गई थी जैसे श्री देवकी माता के उसमें 6 भाई, तो यहाँ महाप्रभु के उसमें तो एक ही भाई महाप्रभु को साथ में, अनंत शेष जो थे, क्योंकि अनंत शेष तो भगवान के सेवक हैं ना, भगवान के सेवक हैं वो, नित्य सेवक हैं, चाहे वे जब विष्णु रूप में हों या वे कृष्ण रूप में हों,
या जहाँ भी जिस रूप में से राम रूप में हो, तो अनंत शेष ही वहीं जैसे लक्ष्मण हैं और विष्णु स्वरूप में वही लक्ष्मण ही यहाँ शेष हैं, और वे बलराम ही वहाँ लक्ष्मण हैं, और जो कृष्ण साथ में बलराम हैं, तो अलग अलग रूपों में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान श्री अनंत शेष जो है श्री विश्वरूप के रूप में अवतीर्ण हुए, और विश्वरूप के रूप में अवतीर्ण होकर के भगवान का सेवन शक्ति के उनको देते हैं भगवान की सेवा के, तो भगवान को वहन करते हैं जैसे अनंत शेष, तो ऐसे ही जब श्रीमद् महाप्रभु छोटे थे तो विश्वरूप उनको हाथ में लेकर के बार बार कैसे ऊपर उछाला करें और उनको चुप कराएं और हरी हरी बोलते थे, ये भी चलता था। छोटे भाई और बड़े भाई का प्रेम, छोटे भाई के प्रति मतलब महाप्रभु छोटे होके आए थे तो कनिष्ठ भ्राता थे, अनुज थे, हाँ विश्वरूप अनुज, जैसे रामानुज कहते हैं, भगवान कृष्ण का नाम है रामानुज, तो श्री चैतन्य महाप्रभु में विश्वरूपानुज, हाँ विश्वरूप के अनुज हैं। रामाग्रज मतलब राम से जो बड़े, और यहाँ पर रामानुज कौन है, बलराम लक्ष्मण जी को रामानुज बोलते हैं, और रामानुज तो यहाँ विश्वरूपानुज थे श्री मन महाप्रभु, यहाँ महाप्रभु अनुज होकर गए। और वहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाएं चल रही थी बंगाल में, रामकृष्ण की लीलाएं, तो ऐसे ऐसे बहुत विस्तार से चल रहा था। तो अभी हमने आज जो था कुछ समय पे महाप्रभु उसमें वो जाना, अब हम अगली बार में जानेंगे कि महाप्रभु ने आगे क्या लीलाएं करी, कैसे कैसे क्या हुआ। ये गौर लीला का मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा जो है, हम तो अल्प उसमें प्रयास कर सकते हैं, पूरे तो महाप्रभु की लीला कोई नहीं कर सकता, एक दिन लीला रहीला अवशेष, यदि गणेश जी भी लिखने जाए तो एक दिन की लीला अवशेष रह जाती है ना, बची हुई रह जाएगी, तो हम तो एक दिन की लीला भी नहीं कर सकते, पर हम एक दृष्टि डालने जा रहे हैं बस कि महाप्रभु के लीला चिंतन पे कैसे कैसे। तो यहाँ तक अभी महाप्रभु की कुछ कुछ लीलाएं, अभी आगे और भी नटखट बाल लीलाएं महाप्रभु की हैं, अभी तो ये पलने की लीलाएं, ये पालने की, जब छोटे अभी महाप्रभु, अभी तो नामकरण हुआ है, विश्वंभर नाम रखा गया महाप्रभु का, आगे हम जानेंगे कैसे कैसे महाप्रभु ने और क्या क्या लीलाएं करी, और कैसे कैसे घाट पर के जा कर के जो पुरुष और उनके साथ में बहुत हटकेलियाँ करते थे, ब्राह्मणों के साथ में जा करके हटकेलियाँ, मतलब कि बच्चे छोटे बच्चे थे जब, मतलब छोटे बच्चे तो जा करके कभी कभी उनको लोगों को लगता था तंग जैसा कि तंग कर रहे हैं, पर वो वास्तव में तंग नहीं होते थे, वो तो अत्यंत प्रसन्नता होते थे। ग्राम संबंधे हो तुम ही अमर भाई, कभी कभी छोटी छोटी लड़कियाँ कहीं भगवान शिव की पूजा कर रही होती तो वहाँ पर जा करके कभी कभी उनके छोटे ही थे उस समय तो जा करके शिव जी के गले से माला उतार के अपने गले में पहन लेते, हाँ तो बहुत लीला हुई है, तो वो सब हम जानेंगे बाद में श्रीमद् महाप्रभु की कि कैसे कैसे क्या क्या लीलाएं हुई।